हेलो गाइस, तो ये दम का लाल मुर्ग बहुत ही ऑसम रेसिपी है, तो आप इसे ट्राई करिएगा। अगर आप नहीं खाते हैं तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी नॉन वेजीज हैं, उन्हें ज़रूर ये शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने चिकन लिया है 1 किलो। एक बड़ी सी परात में, बड़े से एक कंटेनर में हम चिकन को रख लेंगे। ये मैंने डाला है 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। आइए डालते हैं इसमें नमक, स्वादानुसार रखिएगा नमक को। हरी मिर्च का पेस्ट नहीं डालना है तो आप अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। देगी मिर्च पाउडर डाला 1 चम्मच। ये 1 चम्मच है सफ़ेद मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। सफ़ेद मिर्च का पाउडर बहुत मज़ेदार होता है, बहुत ये अच्छा बनाता है रेसिपी को। हल्दी डाली है मैंने 1 चम्मच। ये धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच। चिकन मसाला डाला है मैंने 1 चम्मच। सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। गरम मसाला डाला है 1 चम्मच। ये डाला है मैंने रेड चिली सॉस 2 चम्मच। और अब डालेंगे इसमें हम ये सोया सॉस 1/2 चम्मच। रेड चिली सॉस, सोया सॉस, ये बहुत ही अच्छा कलर देंगे रेसिपी को, बहुत अच्छा ये टेक्सचर देंगे, कलर देंगे, एक अच्छा सा फ्लेवर देंगे। आइए डालते हैं दही इसमें। 200 ग्राम दही डाली है मैंने। ये डाली है टमाटो प्यूरी 1 कप। टमाटो प्यूरी आप ध्यान रखिएगा, जो टमाटर होते हैं लाल लाल आप रखिएगा, उसकी आप प्यूरी बनाइएगा, जिससे कि नेचुरल कलर आएगा। ये डाले मैंने अनियंस, डीप फ्राइड अनियंस। ब्राउन करके प्याज को मैंने ऐड करा है। 4 प्याज मैंने लिए थे, उन्हें स्लाइस करके डीप ब्राउन करा था, फ्राई करके तब ये इसमें ऐड करें। तो ये मैंने ऐड करी हैं धनिया की पत्तियां और करी पत्ता लीव्स, चॉप करके हम ऐड कर लेंगे। आइए डालते हैं इसमें ये ऑयल। ये ऑयल जो बचा हुआ था, जिसमें कि मैंने प्याज को फ्राई किया था, 1/2 कप मैंने ऐड करा है। सरसों का तेल आप यूज़ करिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी ये डिश। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और एक चीज़ हमें और ऐड करनी है इसमें, हम 1 चम्मच सिरका या नींबू का रस हम डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे फिर से, और इसे हम ऐसे ही हम छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, रेस्ट करने के लिए रखेंगे। आइए 1 घंटे बाद हम इसे कढ़ाई में ऐड करते हैं। देखिए कितना अच्छा एक कलर आया है, मैरिनेशन एकदम परफेक्ट हो चुकी है। लो फ्लेम पे हम इसे चला लेंगे, हल्का सा स्टर कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये चिकन अलग ही दिख रहा है। कवर करेंगे, कुक करेंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, और 5 मिनट बाद हम इसे स्टर कर लेंगे फिर से। तो गाइस, ये रेसिपी ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट में। स्टर कर लेंगे, ये देखिए बहुत ही अलग टाइप की ये रेसिपी है, इतना अच्छा टेक्सचर आया है। आइए इसमें ऐड करेंगे हम अब पानी, जिससे कि जो ग्रेवी है उसकी हम कंसिस्टेंसी हम सेट कर लेंगे। 1 कप पानी मैंने ऐड करा है, ग्रेवी को ज़्यादा पतला नहीं करना है। मिक्स कर लेंगे और हम इसे कुक करेंगे कवर करके 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे। हल्की आंच पे हमें इसे कुक करना है 30 मिनट बाद हम देखते हैं। तो ये देखिए, चेक कर लेते हैं। इस टाइम पे आप चिकन के पीसेस को आप तोड़ के आप चेक कर सकते हैं कि वो सही से कुक हुए हैं नहीं। तो ये परफेक्टली कुक हो चुके हैं, एकदम मज़ेदार हमारा दम का लाल मुर्ग, दम का लाल चिकन रेडी है गाइस, एकदम परफेक्ट। ये मैंने सर्व कर लिया है, कितना अच्छा मज़ेदार एक कलर आया है। देखिए गार्निश कर लेंगे धनिया की पत्तियों से और लच्छेदार प्याज से।
तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी चिकन की रेडी है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स को। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।